तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, गदर 2 जितना सोच रहे थे उससे भी भयंकर तबाही मचा रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर आया है, पिक्चर अभी बाकी है। और लोगों का जो प्यार है तारा सिंह के लिए, सकीना के लिए, पूरी गदर फिल्म के लिए, भाई अमेजिंग। लोग ट्रेलर को दिल खोल कर प्यार दे रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर ने भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। मतलब जितना लोगों ने सोचा नहीं था उससे भी बढ़कर जबरदस्त ट्रेलर रिलीज कराया गया है। क्या तो फाइट सीन है, और भाई साहब मेन पार्ट मूवी के डायलॉग, दिल लूट लिया डायलॉग्स ने तो। और हर किसी के द्वारा जो डायलॉग डिलीवरी है सुपर अमेजिंग, चाहे वो तारा सिंह हो, चाहे वो विलेन हो, चाहे वो तारा सिंह का बेटा जीते ही क्यों ना हो, सभी ने स्टेज फाड़ दिया भाई साहब। दिल से बोल रहा हूँ, मुझे तो मजा आ गया ट्रेलर में। और ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि अभी तक मैंने खुद 20 से 22 बार ट्रेलर को देख लिया है, और जब भी देख रहा हूँ कुछ अलग ही मज़ेदार तड़का मिल रहा है। आप लोगों ने कितने बार देख लिया है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। लेकिन उससे पहले आज बात करेंगे गदर 2 के अमेजिंग डायलॉग डिलीवरी पर। डायलॉग जो पब्लिक को सीधा दिल से हिट करते हैं, डायलॉग जो पब्लिक को मूवी से इमोशनली कनेक्ट करते हैं। तो भाई साहब, एक मूवी को ऊपर उठाने के लिए डायलॉग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसकी स्क्रिप्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सब चर्चा करेंगे, कितने डायलॉग्स हैं, किस डायलॉग में कितना दम है, लोगों के दिल से ज़्यादा कनेक्ट किस डायलॉग ने किया है, और ट्रेलर लोगों को कैसा लग रहा है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी जनाब तारा सिंह उर्फ सनी पाजी के डाई हार्ट फैन हैं, और गदर मूवी का उसके ट्रेलर का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। ट्रेलर एक नंबर है, जनता खुले दिल से प्यार लुटा रही है ट्रेलर में, और बेस्ट पार्ट इसके अमेजिंग डायलॉग्स और इनकी अमेजिंगली डिलीवरी। देखो, तारा सिंह की प्रोफाइल हम सब जानते हैं, सनी पाजी एक कैरेक्टर में कितनी जान भर देते हैं हम सब जानते हैं, क्योंकि जब ये कातिया और उसके सातों भाइयों को एक साथ मार सकते हैं तो फिर इनके अपोजिट में विलेन तो खतरनाक चाहिए ही चाहिए। और यस, गदर में तो अमरीश पुरी जैसे दमदार कैरेक्टर था, तो इस बार गदर 2 में मनीष वाधवा जैसा दमदार कैरेक्टर को लिया गया है। भाई क्या धांसू विलेन लग रहे हैं जो वाकई में जम रहे हैं सनी पाजी के सामने, क्योंकि सनी पाजी के सामने चाहिए दमदार विलेन। अब बात करेंगे डायलॉग डिलीवरी की, तो पहले बात करेंगे उस सीन की जब जीते को पकड़ लेती है पाकिस्तानी फौज, और मनीष वाधवा बोलता है कि ऐसे ही तड़प रहा होगा तेरा बाप भी। भाई क्या अमेजिंग एक्टिंग है, मतलब तारा सिंह को ललकार रहा है, गूज़बम्प्स दे जाएगा ये सीन। उसके बाद जीते का डायलॉग आता है कि नमाज पढ़ने जा रहे हो तो अल्लाह से अपने लिए दुआ मांग लेना, अगर मेरा बाप पे आ गया तो तेरे इतने चीथड़े करेगा पूरा पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा। भाई साहब, इस डायलॉग ने विलेन का तो दिल दहला ही दिया, साथ ही मेरा भी दिल दहला दिया, क्योंकि जब भी सनी पाजी के एंगर की बात होती है हम सब जानते हैं ये अकेला बंदा कितनों की धज्जियाँ उड़ा देता है। लास्ट मूवी में वो हैंडपम्प वाला सीन इसका सबूत है, कैसे लाशें बिछा कर रख दी थी। और लास्ट एंड ब्रेथ टेकिंग डायलॉग जिसने वाकई में मेरे गूज़बम्प्स ला दिए कि पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान में बसने का अगर मौका दिया जाए तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, इतनी दहशत तुमने फैला रखी है अपने ही लोगों पर। फिर वो फिनिशिंग डायलॉग की कोई भीख भी नहीं देगा तुम लोगों को, कटोरा मांगकर खड़े रहोगे तब भी। भाई मज़ा आ गया, डायलॉग्स की स्क्रिप्टिंग बहुत दमदार करी गई है, बिल्कुल जमता है सनी पाजी पर ये एंग्री लुक। और ये भारी भरकम वजन वाले डायलॉग भी सूट सिर्फ सनी पाजी पर ही करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है तो जाके जरूर देखो यार, मज़ा आ जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, मूवी थीम फैमिली लव बॉन्डिंग पर तो बेस है ही, साथ ही देशभक्ति भावना से भी जुड़ी हुई है। कैसे अकेला तारा सिंह पूरी पाकिस्तानी फौज से भिड़ जाता है अपने देश के गौरव उसकी शान के लिए, तो भाई मज़ा तो आने वाला है मूवी में। बहुत मसाला, बहुत एक्शन मिलने वाला है, और मैं तो बहुत बेसब्र हूँ मूवी के लिए। ये कब रिलीज होगी, मतलब 11 अगस्त कब आएगा, आप लोग कितना बेसब्र हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया जाना। दूसरा, ट्रेलर अभी तक देख लिया है तो आपको कैसा लगा ये ट्रेलर। तीसरा, क्या पठान KGF RRR का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी गदर 2। फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय और एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए, और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।